अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पहले लेक्चर में देखा कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम्स कौन कौन सी चीजों से मिलकर एक बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के मकासद क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर ऑफ अ कंप्यूटर और हार्डवेयर के दरमियान में, और कंट्रोल करता है सारे यूजेस, कंट्रोल करता है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फंक्शन परफॉर्म आ रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है, मल्टीटास्किंग को अलाउ करता है, डिटेक्ट हार्डवेयर फेलियर को डिटेक्ट करता है। अब इसके मेन मकसद क्या हैं? सबसे पहले कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मींस कि ये यूजर प्रोग्राम के सिस्टम एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक इट इजी टू सॉल्व यूजर प्रॉब्लम, के इजीली यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, इसको हम कन्वीनियंस पढ़ते हैं। उसके बाद है एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी? ये होती है कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, के ऑपरेटिंग सिस्टम के